क्या शुरू होने वाली है वर्ल्ड वॉर 3? तो क्या नक्शे से मिट जाएगा चीन? एक साथ आए सुपर पावर, फाइव आईज देश। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जानेंगे इस खबर के बारे में और भी विस्तार से। उससे पहले आप सब लोगों से एक छोटी सी विनती है कि यदि आप चाहते हैं कि ये सभी देश मिलकर चीन पर कोई बड़ी कार्रवाई करें तो इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल कोरोना को लेकर चीन शुरू से ही झूठ बोलता आया है। कोरोना से मरने वाले लोगों के आंकड़ों से लेकर कोरोना वायरस की उत्पत्ति संबंधित जानकारी तक चीन ने शुरू से ही दुनिया को झूठ परोसने का काम किया है। हालांकि अब लगता है कि चीन के इन झूठे दावों को मानने वाला कोई नहीं बचा है और पूरा विश्व अब चीन को कटघरे में खड़ा करने में लगा है। चीन को मजा चखाने के लिए अब फाइव आईज देशों के समूह ने कमर कस ली है। इन पांच देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड शामिल हैं। इन देशों का एक साथ चीन पर वार करना और वुहान वायरस को लेकर वुहान स्थित लैब के बारे में जांच करने की बात कहना दर्शाता है कि इन देशों के पास वाकई चीन से संबंधित कोई आवश्यक खुफिया सूचना हो सकती है और ये देश मिलकर इसके लिए चीन को सबक सिखा सकते हैं। फाइव आईज देशों के दो देश अमेरिका और यूके में कोरोना वायरस ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है। अमेरिका में तो कोरोना से लगभग 800,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं जबकि लगभग 50,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यही कारण है कि लगातार अमेरिका वुहान लैब थ्योरी पर बार बार प्रकाश डाल रहा है और ऑस्ट्रेलिया और यूके से भी उसे भरपूर समर्थन मिल रहा है। अमेरिका तो शुरू से ही चीन पर कोरोना को लेकर बड़े आरोप लगाता रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति का मानना है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान स्थित एक प्रयोगशाला से बाहर निकला है। इस प्रयोगशाला में चमगादड़ों पर रिसर्च चल रही थी। अब ट्रंप चाहते हैं कि इस प्रयोगशाला की बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए। हालांकि अमेरिका अपने स्तर पर इस लैब की जांच कर रहा है। हाल ही में अमेरिका ने चीन से अपने अधिकारियों को वुहान लैब का परीक्षण करने की छूट देने को भी कहा था जिसे चीन ने अस्वीकार कर दिया। ट्रंप ये पहले ही कह चुके हैं कि अगर ये सामने आता है कि चीन ने सब कुछ जानबूझकर किया है तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां के विदेश मंत्री पहले ही यूएस का समर्थन करते हुए चीन पर आंकड़े छिपाने और पारदर्शिता ना बरतने के आरोप लगा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मैरिस पेन ने हाल ही में चीन द्वारा कोरोना वायरस को लेकर संभावित ढील बरतने की जांच करने का समर्थन करने की बात कही है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन भी अपनी विदेश मंत्री को समर्थन दे चुके हैं।